असम में मई महीने से ही बाढ़ का कहर देखने को मिला। जून में आई खबर के मुताबिक दक्षिणी असम का सबसे बड़ा शहर सिलचर पानी में पूरी तरह डूब गया। जुलाई के पहले हफ्ते तक 170 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच 26 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सिलचर में आई बाढ़ को मानव निर्मित बताया। उन्होंने कहा कि अगर बेतुकंडी में तटबंध को नहीं तोड़ा गया होता तो ऐसा नहीं होता। गौर करें कि सिलचर और बेतुकंडी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी है। इस तटबंध को तोड़ने में कथित संलिप्तता के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम काबुल खान, मिठू हुसैन लस्कर, नजीर हुसैन लस्कर और रिपन खान है। इस दौरान 5 जुलाई के आसपास मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस घटना को बाढ़ जिहाद बताया। जी न्यूज के पूर्व संपादक सुधीर चौधरी द्वारा बनाए गए जिहाद के एक लंबे चार्ट से आगे निकलकर मीडिया संगठनों ने बाढ़ जिहाद का आविष्कार कर दिया। न्यूज एक्स ने इस पर एक डिबेट आयोजित की, जिसमें एंकर सहित सभी पैनलिस्टों की राय थी कि असम में बाढ़ जिहाद हुआ है। The big debate of the day, shocking angle of sabotage has now emerged in the Silchar floods that devastated lakhs of people. Police investigation has found that 4 accused, Kabul Khan, Ripon Khan, Mithu and Nazir Lasker, had damaged the dike at the Bethukandi River, hence breaking the embankment and allowing water to flow from the marsh. The miscreants also made a video of the sabotage, based on which the arrests have now been made. Assam Chief Minister has roped in the CID to further investigate the case. और इन सब में पीछे न रहते हुए भाजपा समर्थक चैनल सुदर्शन न्यूज ने एक घंटे के शो में बाढ़ जिहाद की पूरी कहानी बता दी। आपके आसपास का पानी का बांध तोड़कर बांध जिहाद, कैसे बांध तोड़ा जा रहा है उससे, कैसे पानी से हिंदू बहुल क्षेत्र के सारे घरों को तबाह किया जा सकता है, ये होने वाला है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये तो होना ही है, ये हो चुका है। हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण राज्य पूरे बाढ़ से तबाह हुआ है। आसाम, उस आसाम में आई हुई आपदा को लगकर लगा कि ईश्वर इतना नाराज कैसे हो सकता है। लाखों लोग जहां पर त्राही त्राही, करोड़ों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और मरने वालों की संख्या हजारों में जा रही है, लाखों घर तबाह हो चुके हैं, तब लगा कि यह जरूर मनुष्य निर्मित होगा, तो पता चला कि यह जिहादियों ने निर्मित किया है। और यह केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि साक्ष्य के साथ गिरफ्तार किए गए लोगों ने स्वयं कबूल किया है कि हमने इस डैम को, इस बांध को, जिसमें अथाह पानी भरा हुआ था, केवल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि नीचे हिंदू बस्ती है, किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र का डैम नहीं तोड़ा। दैनिक जागरण ने भी बाढ़ के पीछे गहरी साजिश बताई। और भी कई पत्रकारों और वेबसाइट्स ने भी ऐसा ही दावा किया। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी राहुल नागर ने भी ये दावा ट्वीट किया। हालांकि मीडिया आउटलेट्स द्वारा इसे बाढ़ जिहाद बताए जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बयान दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन असम के मुख्यमंत्री अपने इस बयान से नहीं मुकरे, जिसमें उन्होंने सिलचर में आई बाढ़ को मानव निर्मित बताया था। द हिंदू ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से बताया कि असम में मार्च से मई महीने के प्री मानसून सीजन में सामान्य से 41% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 25 जून तक सामान्य से 71% ज्यादा बारिश हुई है। एक प्रेस इंटरव्यू में कछार की एसपी रमनदीप कौर ने इस घटना में किसी भी तरह के सांप्रदायिक एंगल का साफ तौर पर खंडन किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा, 19th ऑफ जून से जो बारिश शुरू हुआ, जिसके कारण पूरा सिलचर शहर में पानी हुआ, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ का जो बांध है वो टूट गया है। दे ऑल्सो डिड नॉट नो कि वो बांध कैसे टूटा है, सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया। हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब हमको पता चला कि इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको बांध को तोड़ा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फाइनली हमने अभी तक 4 लोगों को एप्रीहेंड किया। हमारे नोटिस में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुछ वेब पोर्टल्स पे और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी, सम ऑफ द लोकल एंड सम नेशनल चैनल्स पे भी कुछ इस तरह का न्यूज़ सामने आ रहा है, जिसमें इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जिसमें इसको अलग अलग कॉनोटेशन दिया जा रहा है।
तो उसमें मेरी तरफ से एक ही बात क्लियर है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनल एंगल नहीं है जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो मेरी अपील है टू द वेरियस सोशल मीडियाज, टू द वेरियस चैनल्स की काइंडली बिना फैक्ट्स के, बिना एविडेंस के रूमर्स को मत फैलाइएगा। एसपी ने 4 जुलाई को टेलीग्राफ को बताया कि 23 मई को सिंचाई विभाग ने बेतुकंडी बांध को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये कथित ब्रिज 30 मीटर लंबा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने कथित तौर पर मई महीने में बेतुकंडी में जल जमाव करने के लिए ब्रिज किया था। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बेतुकंडी के लोगों ने जल जमाव का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए अधिकारियों से कई बार रिक्वेस्ट की थी। कुछ स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि जल भराव की समस्या की वजह से कथित तौर पर बांध तोड़ा गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के अधिकारियों को बांध बहुत जल्दी ठीक करना चाहिए था। रीजनल फोटो जर्नलिस्ट पार्थ शिल ने 23 मई और 4 जुलाई की तटबंध की तस्वीरें शेयर की और बताया कि पुनर्निर्माण 26 जून के आसपास शुरू हुआ था और 6 या 7 जुलाई तक पूरा हो गया था। मई महीने में स्थानीय न्यूज आउटलेट वे टू बराक ने रिपोर्ट किया कि सिल्चर WR डिवीजन के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने राज्य सरकार को एक फॉर्मल मैसेज भेजा, जिसमें कहा गया कि सिल्चर शहर के बेतुकंडी, बेरेंगा, रिंगबर्ड, बगदाहर में सबसे कमजोर बांध है और इन क्षेत्रों में बाढ़ से भी खतरा है। रीजनल मीडिया आउटलेट में चेतावनी दी गई कि अगर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तो प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। सेंटिनल ने रिपोर्ट किया कि असम में लगभग 70% तटबंधों को पिछले कुछ सालों में आई बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा है। ऑल्ट न्यूज ने असम विश्वविद्यालय सिलचर के प्रोफेसर पार्थकर चौधरी से बात की। वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर है। उन्होंने कहा कि अगर बाढ़ ब्रिज के कारण ही आई है तो संबंधित विभागों और प्रशासन ने समस्या पर तत्काल ध्यान क्यों नहीं दिया। ये काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए था। इतनी ज्यादा बारिश के कारण मई के महीने में ही आई बाढ़ के बाद लंबे समय तक समाधान के लिए सरकार को वाटर कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। बाढ़ जिहाद पर उन्होंने बताया कि जब लोग पीड़ित थे तब मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब स्थिति में सुधार हो गया तो इसे सांप्रदायिक एंगल देकर घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है। कुल मिलाकर सिलचर शहर 19 जून के आसपास पूरी तरह पानी में डूब गया। जुलाई के पहले हफ्ते में स्थानीय पुलिस ने 4 मुस्लिम व्यक्तियों को कथित तौर पर बांध तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन स्थानीय पत्रकारों का कहना था कि मई में जल जमाव से राहत के लिए बांध तोड़ा गया था। इस घटना के एक महीने से भी ज्यादा समय के बाद असम के मुख्यमंत्री ने सिलचर में आई बाढ़ को मानव निर्मित आपदा बताया और इसमें शामिल होकर कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे एंटी मुस्लिम एंगल देते हुए रिपोर्ट किया कि ये बाढ़ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें रिपोर्ट करने के बजाय मीडिया आउटलेट्स और पत्रकारों ने बाढ़ के लिए मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराते हुए इसे बाढ़ जिहाद बताया, जबकि असम के मुख्यमंत्री और SP दोनों ने बाढ़ के पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं होने की बात बताई है।